मारुति 800 वह कार जिससे भारतीयों ने जाना कि चार पहियों पर दौड़ने वाली सस्ती कार होती कैसी है। इसे जब लॉन्च किया गया तब इसकी कीमत थी 47,500 रुपये। तब भारत में न हाईवे ही दुरुस्त थे और एक्सप्रेस वे तो सपने में भी हमने नहीं देखे थे, लेकिन ये कार ऐसी दौड़ती थी कि गड्ढे और पत्थर को सरपट पार कर जाती थी। भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी ने भरोसेमंद और मॉडर्न कार की परिभाषा ही इससे सीखी। लेकिन मारुति की कहानी भी किसी हाईवे जैसी सीधी नहीं है। मारुति का सपना 70 के दशक में संजोया गया। तब संजय गांधी के मन में इसे लेकर पहली बार अरमान जगे थे, लेकिन जब पहली कार डिलीवर हुई तो तारीख थी 14 दिसंबर 1983, यानी दिवंगत हो चुके संजय गांधी की जयंती के मौके पर ही। आज ही के दिन 1946 में संजय गांधी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1983 में पहली मारुति 800 डिलीवर भी हुई थी। आज हम जानेंगे कि वह मारुति जिसे संजय के सपने के साथ शुरू किया गया था, वह कैसे इंदिरा सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई और कैसे उसमें सुजुकी की एंट्री हुई। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारे विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। वेलहम बॉयज़ स्कूल और फिर देहरादून के दून स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद संजय गांधी को कारों की दीवानगी ने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की ओर आकर्षित किया। एडवेंचर के दीवाने संजय की दिलचस्पी स्पोर्ट्स कारों के अलावा एयरक्राफ्ट एरोबेटिक्स में भी थी। उन्होंने रॉल्स रॉयस के साथ क्रेवे इंग्लैंड में 3 साल तक काम किया। वह 1968 में एक आइडिया लेकर भारत लौटे थे। ये आइडिया था एक स्वदेशी कार बनाने का जो भारत के मिडिल क्लास की जेब पर बोझ न डाले। तब यह विचार दूरदर्शी लग रहा था, लेकिन बाद में जो हुआ वह गांधी परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 14 दिसंबर 1946 के दिन इंदिरा और फिरोज गांधी के बेटे के रूप में जन्म हुआ था संजय गांधी का। जवाहरलाल नेहरू के पोते संजय को स्कूल में एक औसत छात्र के रूप में जाना जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें अकेला रहने वाला, बिना दोस्तों के, और कुछ में उन्हें एकांत पसंद भी बताया गया। वह 1968 में भारत लौटे और सरकार व योजना आयोग को यह समझाने में कामयाब रहे कि निजी क्षेत्र में एक छोटी कार का प्रोडक्शन अच्छा विचार है। संजय ने दिल्ली में ट्रक ड्राइवरों के पसंदीदा अड्डे गुलाबी बाग में एक प्रोटोटाइप डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने गुलाबी बाग के पास वर्कशॉप में खुद चेसिस बनाया। जामा मस्जिद क्षेत्र से कुछ हिस्सों को मंगवाया गया और कार को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिम मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई। मोटर में कुछ सुधार किए गए और कार को टेस्ट के लिए अहमदनगर भी ले जाया गया। 3 शुरुआती कारें बनाने के बाद गैरेज भर गया था। इसके बाद संजय ने लक्ष्मण सिल्वेनिया कारखाने में बेस को शिफ्ट कर दिया। यहीं पर उन्होंने 18 महीने एक अलग शेड में बिताए। संजय अपने प्रोटोटाइप को वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर में फिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए भी ले गए, लेकिन प्रोटोटाइप टेस्ट में पास नहीं हो सका। इसका मतलब यह कि वह सड़क के लायक नहीं था। फिर भी मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी 4 जून 1971 को बनाई गई। संजय गांधी इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे। संजय अपने मकसद पर अडिग थे। संजय ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी माँ और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मदद ली। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल ने एक आम आदमी की कार के प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा। एक ऐसा वाहन जो सस्ता, कुशल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वदेशी हो। इसके बाद छोटी कार के लाइसेंस के लिए कुल 18 कंपनियों ने आवेदन दिए। इन कंपनियों में टाटा की टेल्को भी शामिल थी, जो बाद में टाटा मोटर्स बन गई। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की कंपनी मारुति ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। संजय का प्रोटोटाइप फेल होने के बावजूद जुलाई 1974 में मारुति को 50,000 कारों के प्रोडक्शन के लिए औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया। सरकार ने आम लोगों की कार बनाने के लिए संजय की कंपनी मारुति को गुड़गांव में 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 297 एकड़ जमीन दी। यहाँ ऐसी छोटी कार बनाने की योजना थी जो आम लोगों के बजट की हो।
सरकार ने सितंबर 1970 में एक आशय पत्र जारी किया। तब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी की नजरों में बने रहने के लिए उन्होंने भी संजय गांधी की पूरी मदद की। विरोधियों का कहना था कि हरियाणा सरकार ने किसानों से औने पौने दामों पर भूमि का अधिग्रहण किया और मारुति लिमिटेड नाम की कंपनी को सौंप दिया। इसके लिए गोला बारूद के ढेर को भी हटाया गया। बैंकों ने रियायती कर्ज दिया। हालांकि संजय की कंपनी को कार का ठेका देने के इंदिरा सरकार के फैसले की खूब आलोचना हुई, लेकिन 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और पाकिस्तान पर भारत की जीत ने इस मुद्दे को पीछे धकेल दिया था। लॉन्चिंग की चर्चा करते हुए मई 1975 में संजय ने दावा किया था कि वह हर महीने 12 से 20 कारें बना सकते हैं। उन्होंने अगले 4 साल में इसे बढ़ाकर 200 कारें प्रतिदिन तक ले जाने का दावा भी किया था। हालांकि 31 मार्च 1976 तक संजय की कंपनी सिर्फ 21 मारुति कारें ही बना पाई। इंदिरा गांधी ने जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगते ही संजय गांधी राजनीति के फ्रंट मोर्चे पर आ गए। हालांकि इसके बाद भी वह मारुति के MD बने रहे और इमरजेंसी में भी 4,000 रुपए की सैलरी हर महीने उठाते रहे। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस हार गई। मारुति का मामला अदालत पहुंचा। 1978 में कोर्ट ने मारुति को बंद करने का आदेश दे दिया। संजय की मारुति और आम लोगों की कार वाली कहानी के सपने पर विराम लग गया। साल 1980 में कांग्रेस की सत्ता में वापस आने के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से खड़ा किया जा सकता था, लेकिन दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के पास विमान उड़ाते हुए संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद इंदिरा ने अरुण नेहरू को स्थिति का जायजा लेने और जांचने के लिए बुलाया कि क्या भारत की पहली घरेलू कार बनाने के उनके बेटे के सपने को फिर से जिंदा करना संभव है। अरुण नेहरू ने महसूस किया कि प्रोजेक्ट बेहद खास था, लेकिन जरूरत थी तो एक पेशेवर कार मैन्युफैक्चरर की। जानकारों की एक टीम दुनिया भर में कई मैन्युफैक्चरर्स के पास गई। जापान की सुजुकी इस डील को करने के लिए आगे आई। सरकार ने इसी बीच वॉक्सवैगन से भी संपर्क किया, लेकिन सुजुकी ने इस डील को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने देश की आम जनता का मिजाज जानने के लिए गहरा रिसर्च भी किया। सुजुकी ने सरकार को अपने मॉडल 796 का डिजाइन दिखाया, जो जापान और पूर्वी एशियाई देशों में कामयाब रहा था। अहम बात यह है कि मारुति 800 की डिलीवरी 14 दिसंबर 1983 को ही हुई थी। तब इसी दिन दिवंगत संजय गांधी की 37वीं जयंती थी। ऐसा इंदिरा की इच्छा पर हुआ था। मारुति को 1981 में स्थापित किया गया और 2003 तक यह भारत सरकार के स्वामित्व में रही। फिर इसे जापानी व्हीकल मैन्युफैक्चरर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को बेच दिया गया। चलते चलते 14 दिसंबर को हुई दूसरी बड़ी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1799, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम का निधन। 1896, तीसरा सबसे पुराना अंडरग्राउंड मेट्रो ग्लासगो सबवे खोला गया। 1924, भारतीय अभिनेता राज कपूर का जन्म हुआ। 1934, निर्देशक श्याम बेनेगल का जन्म हुआ। 1983, जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूँ अगली बार एक नए एपिसोड में एक नए अनसुने किस्से के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।